नमस्कार, मैं शशांक सिंह ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाला हूँ जो सालों पहले स्पेस में खो गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। जी हाँ, तो ये बात उन दिनों की है जब दुनिया के कई देश स्पेस मिशन की तैयारी कर रहे थे। कई देश स्पेस में रॉकेट छोड़ चुके थे और कई देश इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच बहुत ही एक मिस्टीरियस बात दुनिया के सामने आई जब इटली के दो भाइयों ने ये बात दुनिया के सामने लाई, जिनका नाम था जुडिका और कॉर्डिला। ये दो भाई रेडियो ऑपरेटर थे और स्पेस में रेडियो सिग्नल भेजते थे। पहले भी उन्हें स्पेस से कई सिग्नल्स मिले हुए थे, लेकिन नवंबर 1963 में उन्हें जो सिग्नल मिला वो सिग्नल स्पेस से आया हुआ था और वो एक मार्स कोड था। उन्होंने जब उस कोड को डिकोड किया तब वो हैरान हो गए। उन्हें एक महिला की आवाज़ सुनाई दी जो कि बहुत डरी हुई थी और वो पृथ्वी पर वापस आने की तैयारी कर रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। चलिए आपको एक बार वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। अगर ठीक से सुना जाए तो आई फील हॉट, आई फील हॉट, आई कैन सी फ्लेम, ऐसी आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। वह महिला एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने में तो कामयाब रही, लेकिन वापसी के समय उसके स्पेस स्टेशन में कुछ खराबी के कारण आग लग गई थी और बदकिस्मती के कारण वो स्पेसशिप जलकर खाक हो गया और धरती पर आने से पहले ही राख हो गया और वो महिला भी। बाद में पता चला कि वह महिला सोवियत के एक सीक्रेट मिशन पर गई हुई थी जिस मिशन का नाम वोस्टोक प्रोग्राम था, और ये प्रोग्राम पूरी तरह से असफल रहा और उस चीज़ को छुपाने के लिए सोवियत ने उस मिशन के सारे सबूत मिटा दिए। और आज तक वो महिला एस्ट्रोनॉट कौन थी वह आज तक किसी को नहीं पता चला। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। मैं शशांक सिंह आपसे अलविदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ किसी नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।